जी पांडे सर बात कर रहे हैं हाँ, कौन? आप? सर मैं रिचा बात कर रही हूँ, आपकी स्टूडेंट बायो की। रिचा? अच्छा, हाँ, रिचा, क्या हुआ? बड़ी रात में फोन करा? जी, इतनी भी रात नहीं हो रही है वैसे लेकिन हाँ सॉरी अगर आप मैंने आपको डिस्टर्ब किया तो। रिचा, तुम्हें आवाज थोड़ी सी गूंज रही, पता नहीं कुछ नेटवर्क का इश्यू है, पता नहीं। अच्छा हाँ हमारी आप क्यों? हाँ अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। जी तो मैं ये कह रही थी सर कि अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे तो हाँ। सर मैंने बाकी तो अपना क्लियर कर लिया है अच्छे से, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है बायो में, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। बायो में डाउट लग रहा है? जी तो यार, तो अगर कोई डाउट है तो कल क्लास के टाइम मिलो, क्लास में बात करते हैं, फिर जैसा भी हो पाएगा नहीं देखते हैं। सर वो तो ठीक है क्लास में, लेकिन मैंने आपको इसीलिए फोन किया कि उसका मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है, पता है फिर घर पे भी पापा गुस्सा करेंगे अगर नंबर कम आए, बस वही रह क्या जाएगा दिक्कत मुझे। क्या है मतलब? एक्चुअल तुम्हारे अभी जो मतलब मैंने एग्जाम अपने हुए थे एग्जाम उनको लेकर क्लियर के? कर हाँ, दिए हैं, नहीं मैंने वो क्लियर किया पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा नंबर्स का इधर उधर लग रहा है, तो आप उसको देख लेंगे प्लीज। तो मतलब ये यार, मेरे लिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं तो उसको देखने की कैसी बात कह रही हो तुम? देखो मेरी बात नहीं समझो। नहीं सर आप प्लीज ना आप मैं सॉरी लेकिन आप देखो मेरी बात सुनो पहले। मेरा कहने का मतलब यह है, एग्जाम तुम दे चुकी हो, जी अब वो कॉपी रीचेक हो रही है, सॉरी चेक हो रही है। अब वो कॉपियां जब चेक होके आएंगी तो उसमें रिजल्ट आएगा, तो अब तो मतलब वो तो तो सर वो बायो के नंबर तो आप ही दोगे ना, हाँ, तो ये कैसी तो बात मुझे कर? आप और मतलब सॉरी लेकिन मुझे और से तो कुछ नहीं है, बाकी मेरे एग्जाम अच्छे गए पर मुझे बायो में मेरा कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो रह गए थे, तो और जो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डाउट हो रहा है, तो आप प्लीज कुछ कर सकते हैं उसमें? तुम मेरे यहाँ कोचिंग करती थी या कहीं और कोचिंग कर रही नहीं थी? नहीं सर आपके पास ही, अच्छा, आपके बायो। हाँ जी ठीक है ठीक है, सुनो एक काम करो। जी तो क्या क्या मतलब कल मिल सकते हैं फिर हम लोग? मैं हाँ बिल्कुल मैं अभी भी फ्री हूँ वैसे, अभी तो बहुत लेट हो गया वैसे। नहीं लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मम्मी पापा गए हैं चाचा के घर, तो मैं अभी फ्री थी, अगर आप बोले तो मैं आपसे मिलके बात कर लूँ आपको डिटेल में समझा दूँ। नहीं तो मतलब क्या तुम डिटेल में समझाना चाहती हो? नहीं मैं आपको डिटेल में बता दूँ चीजें, फोन पे नहीं बता पा रही। अच्छा, मेरी तो एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, मैं तो चाह रहा था कि कल देखो संडे है, अभी तो फिर उसके रात का, बाद मंडे को, फिर मंडे ट्यूसडे शायद रिजल्ट आ जाएगा कल या जो संडे है, भी। अगर कल फ्री हो तो हम लोग चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। और रही बात नंबर्स की, तो देखो उसके लिए परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालता बस हूँ मैं देखो, यही कहना चाह रही हूँ कि बस आप उसको क्योंकि प्लीज देख लीजिए, बाकी मैं अभी भी फ्री हूँ कहीं तो हम अभी भी मिल सकते हैं, और अभी बहुत रात ही है, अभी तो 9 ही बज रहे हैं, कल संडे भी है तो तो प्लीज। तुम्हें अचानक से इतनी रात में कैसे ये सब याद आया? तुम पहले भी तो बात कर सकती थी। बात ये थी कि ना कि घर पे फिर मम्मी पापा थे और अभी वो कोई है भी नहीं, और मुझे डाउट लग रहा था कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, इसीलिए मैंने आपको फोन कर दिया। जी घर पे भी कोई नहीं है तो तो अकेले डरती नहीं हो तुम? घर पे कोई नहीं है तो? नहीं, इसलिए तो मैंने आपको फोन कर लिया सब लोग कह रहे जी थे कि मतलब मैंने वही ह्यूमर सुने हैं तुम लोग के, तो खैर। लेकिन क्या सुने? अरे छोड़ो ये सारी बातें, क्या लेना नहीं देना। नहीं क्या चलो सुने आप बताओ ना, मतलब आप ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं तुम अच्छा ऋचा एक बात श्रीवास्तव ही तो बताऊं, बात कर रही हो ना? मैं तुम जी एक्चुअली नंबर नहीं सेव है, तुम लोग का एक ऋचा मिश्रा भी है। मैं आप तो अभी तक बेइज्जती कर रहे हैं आप नहीं मेरी। नहीं क्योंकि कंफर्म नहीं था ना, दो ऋचा हैं अपने क्लास में, तो वही नहीं मैं तो रीता श्रीवास्तव बोल रही हूँ, हाँ। तो सब तो कॉलेज में बताते हैं कि सैम से तुम्हारी ज्यादा बातचीत होती है, मतलब नहीं वही नहीं कोचिंग में ही तुम वो लोग की तो बातचीत सब मेरा लोग करते फ्रेंड हैं। है, वो तो मेरा फ्रेंड है बस।
नहीं मतलब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब जैसे तुम्हारी लाइफ नहीं वैसे ही नहीं चल नहीं रही हो। नहीं बस ये था कि तुम, अभी तो रात हो गई है, मेरी वाइफ भी है आज घर पे, तो मेरा अभी तो कहीं निकलना पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन आपकी शादी हो गई? और क्या, मेरी शादी हो चुकी है पर काफी लगता तो पहले। नहीं है सर, सॉरी अगर आपको ऐसा कुछ खराब लग रहा है तो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि सीरियसली मैं आपको बता मुझे दूं बता तो दो कि अच्छा ना। ले, वैसे ज्यादा किसी को पता नहीं है कि आपकी शादी हो गई है, क्योंकि आप इतनी यंग हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो किसी को भी नहीं पता नहीं कि आप मैरिड हो, क्योंकि मेरे लिए भी ये शॉकिंग था। हाँ मैंने सुना था, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि आप मैरिड हो, क्योंकि आप ऐसे लगते ही नहीं हो, आप तो इतने हैंडसम हो, आपने इतनी जल्दी क्यों कर दी? जल्दी क्या बताएं यार, तुम्हारे जैसा लव कोई मिला नहीं, मैरिज। शायद हो सकता है इसलिए जल्दी करनी पड़ गई। बेटा तुम कुछ बता नहीं रही हो मुझे, लेकिन क्या तुम्हें मिलके क्या बात करनी है? अब आप तो मैरिड हो, तो क्या हो गया, नंबर तो मैं ही बढ़ाऊंगा ना, कोई अनमैरिड थोड़ी तुम्हारा नंबर आपको तो बढ़ाएगा। समझ जाना चाहिए अब तक। चलो एक काम करते हैं फिर, कल हम लोग 11 बजे मुलाकात करते हैं कहाँ कॉलेज में, पे? कॉलेज में ही मिलेंगे, उसके बाद वहीं साथ कल में तो चलते हैं, संडे है ना सर, तो कॉलेज के गेट पे मिलते हैं। तो वहां पे नहीं आप। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर कल कॉल करूं। कल कॉल करो, सुनो मैं या तो अभी ट्राई करता हूँ, अगर पॉसिबल होता है तो मैं विद इन 15 मिनट्स तुम्हारा घर का, तुम मुझे लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप